हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल भारतीय बाजार न्यूज वन मल्टीटेक आईपीओ की आज लास्ट सब्सक्रिप्शन डेट थी। बहुत शानदार सब्सक्राइब हुआ है। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर के जैसा ये भी बहुत अच्छा सब्सक्राइब हुआ है, 384 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी 388 गुना सब्सक्राइब हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी 739 गुना एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी 110 गुना सब्सक्राइब हुआ है। बहुत शानदार सब्सक्राइब हुआ है, लोगों ने इसमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया, भर भर कर पैसा इसमें बरसाया है। एक आईपीओ के लिए 384 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बहुत शानदार सब्सक्राइब हुआ है। इसके पीछे की वजह इसकी इसकी बिजनेस मॉडल है एंड जीएमपी है, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हुए जो इस आईपीओ में इतना भारी डिमांड हुआ। इसका बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है एंड मॉडर्न है। डे वन पर भी इसमें अच्छा रिस्पांस मिला था, 52.36 गुना सब्सक्राइब हुआ था। डे टू पर 59.36 गुना एंड आज फाइनल सब्सक्राइब हुआ 384 गुना सब्सक्राइब हुआ। बहुत अच्छा सब्सक्राइब हुआ, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, बिजनेस मॉडल भी बहुत ही अच्छा है एंड इसकी जीएमपी भी बहुत ही अच्छा है। आज के डेट में इसकी जीएमपी 50 रूपए है जो की अनलिस्टेड मार्केट में 75.76% प्रीमियम के साथ 116 पर ट्रेड करिए अपने निवेशकों को 75% की बेनिफिट दे रही है। इसकी जीएमपी की ओपनिंग 34.85% प्रीमियम के साथ हुई थी और अभी ये 75.76% प्रीमियम के साथ अनलिस्टेड मार्केट में 116 पर ट्रेड कर रही है। काफी अच्छा बेनिफिट दे रही है अपने निवेशकों को। लिस्टिंग दिन तक इसमें और इसकी जीएमपी में उछाल देखने के लिए मिल सकती है, मे भी इसकी जीएमपी 90-95% के आसपास ही जा सकती है। तो एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। इसकी बिजनेस मॉडल भी बहुत ही अच्छा है। ये इसका स्थापना 2014 में हुआ था एंड ऑटोमोटिव उद्योग और आधुनिक खेती के ये जितने भी तरीके के व्हीकल्स का उपयोग किए जाते हैं उन सारी व्हीकल्स का एंड उसके पार्ट्स का निर्माण करती है। ऑटोमोटिव क्षेत्र में भी इसके प्रोडक्ट में काफी इसके पोर्टफोलियो में काफी प्रोडक्ट हैं। इंजीनियर हैंगर्स, हिंग बॉडी कवर्स एंड फ्रंट कवर, स्टे कंपोनेंट, फ्यूल फिलर कप कंपोनेंट, मेन स्टैंड कंप्लीट असेंबली, इंजन गार्ड प्लेट्स, रिक ब्रेक आर्म असेंबली, सेपरेटर ब्रीच एंड केबल गाइड्स असेंबली इत्यादि इसके ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं एंड फार्मिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छा इसके प्रोडक्ट्स हैं। रोटोटर सीडर, सुपर सीडर्स, वीडर्स, पोटैटो प्लांटर्स, पोटैटो डिगर्स, फर्टिलाइजर्स, स्प्रेडर्स, मल्चर्स इत्यादि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं जो कृषि क्षेत्र में जितने तरीके के व्हीकल्स उपयोग किए जाते हैं, जितने तरीके के कंपोनेंट उपयोग किए जाते हैं, सारे कंपोनेंट एंड उसके पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसका जीएमपी भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। बिजनेस मॉडल भी काफी यूनिक है, फाइनेंशियली भी ठीक ठाक है, फाइनेंशियली उतना भी बुरा नहीं, अच्छा है। तो इसमें एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने का चांस है। इसमें आने वाले समय में भी काफी अच्छा लिस्टिंग काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकती है एंड अभी भी ये अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को काफी अच्छा बेनिफिट दे रही है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिस को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आईपीओ रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।